जिन्ना मैं काम थले करके आया ना तेरी डब्बी आला, अगर वो मकैनिक करता ना या फिर मैनू कोई आंदा ना कि काम कर, मैं 1500 रुपए भी वो काम नहीं करना। वो पैप सीधा किया, डब्बी दोबारा लाई कट के सारी, क्योंकि पहले तारा लगिया हुई ने, फिर डब्बी लानी या पैप लाना बड़ा औखा होंदा। हेलो पकड़ में मिनट मार, मिनट यार आ उतु ला एक मिनट पैर सेकंड में उतु ला एक बारी नहीं ठंड है तो उठ पाए जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, परवरदिगार दी रहमत बरकतां और निमतां नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने आ जी। अज सुबह सुबह ना बगैर जर्सी दे, बगैर स्वेटर दे और बगैर जुत्ती जुराबां दे मैं जराना बच्चा नूं छड्डन चला गया सी स्कूल और वापसी आने होया ना भाई जी। होर ते कोई नहीं एडा मसला बनया, बाकी पैर जिहड़े ना उह यख ठंडे हो गए ने। भरा जी घर पहुंच गया अलहम्दुलिल्लाह, खाने आ जी रोटी, नाश्ता सुबह सुबह दही और नाल इहदे विच की शै चटनी जी बन जाएगी ना, फिर सही खावांगा। रोटी रोटी शोटी खा ली जी अलहमदुलिल्लाह, और पानी उत्ते गर्म करने वास्ते रख दिता सी। पानी असीं पाना वा इहदे विच क्योंकि इहदे विच असीं ग्लू भी इस्तेमाल करदे हुंदे आ ना, तो ग्लू फिर जड़ा है ना वो अजकल वैसे पानी दे विच ना हल नहीं होंदा अगर गर्म ना हो। कल मैं कीता सी ना लेकिन सही तरीके नाल हल नहीं सी होया, तो मैं कहा हुण जड़ा है ना गर्म करने हैं, गर्म करके ना फिर विच इहदी ग्लू पाने हैं और उस तो बाद फिर इहनू बनावांगे। सीमेंट मैं बना लिया और बाल्टी छोटी मैनू मिली कोई नहीं कोई भी, और मैं कमंडल का इस्तेमाल करता पाया जी। ये ब्रश तो थोड़ा जहा औखा ही जाएगा लेकिन यह है कि इस्तेमाल जड़ा ना मैं कर लाँगा। सीढ़ी मेरी लग चुकी हुई है जी, शुरू करने हैं इस नुक्कर तो। हाँ जी, तो मियाँ साहब ने ना इतनी दीवार जी है ना जी वो कर ली हुई है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लगती पी है। दांग ना सारे उतर गए ने और हुण जी ना इसी साइड लगा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल ना जी जी रंग हो रहा है क्योंकि पौड़ी उत्ते खलो के रंग करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर थले कोई गोह वगैरह हो गए या कोई मसलन होर चीज़ रखी हुई ना तो फिर भी सौखा हो जाता है, लेकिन फिलहाल हम कर रहे ने इंशाल्लाह कर लगनगे। बस इतनी सही जी साइड रह गई है। मियाँ साहब किचन भी करनी पौसी अपन, हाँ फिर क्योंकि किचन जब आग लाई रखी ना तो दीवारा खराब हो गई ने, तो मैं तो नहीं वो भी कर दे फिर लगा तो जो कहें। और आ जी साइड है ना जी ये सारी रह गई हुई है, और उस तो इलावा जी ने किचन ये भी वेखना सारे दांग बने हुए ने, ये देखे तो हो सकता तो जरा ये भी कर दे इंशाला। 12 का टाइम जी हो गया है, मैं हूँ नाश्ता करवा के और बर्तन सारे धो के तो हूँ उठी हाँ, और फैजल में पानी गर्म करके मैं नवा लिया है। किधर गई मेरी फैजा, छोड़ो इधर आओ वापस, इधर आए बोलो आंटी को, आए बोलो, आखाए बोलो बोलो, ऐसे करो सही करो, हाए माशा। बाहर जरा जी काम फिलहाल मैं एक मुकम सारा कर लिया है, लेकिन इस कमरे जी सफाई है ना वो हाली रह गई है, बिस्तरे भी सारे चुकने वाले पे ने। हाँ जी मेरे साहब जो ना ए डिब्बी थोड़ी जी हैगी सी, इस डिब्बी तो उच्ची तो वह जरा ना पूरी बराबर कर रहे हैं, और उस तो बाद जरा बाकी का सीमेंट मारन गए। पहला साहब ने धुप कढ़ दी है, तो मैं जरा उत्ते जा रही हूँ कपड़े सकूले पाने वास्ते। ये देखें जी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह, ऐसा मेरी जान मेरा बेटा वो उत्ते गया है, उन्हें इन्ना कहा कि मम्मा मेरे कान फीडर लेके आना है, फीडर भी मैं उसने बना लिया है।
नाले तो फायदा नहीं फिटर देने नाले ना कपड़े उस सुकने पा लेने नाले झट बह के दुब सेकेंगे क्योंकि बत्ती भी नहीं है। अगर बत्ती होती तो फिर थले मशीन तो थोड़ा बहुत काम हो जाता लेकिन बत्ती भी गई हुई है और बत्ती तो आने देखे रुत्ते चलने हैं। चलो मेरी जान उठो चलो मंजी चलो दुद्ध में ले आई फैजा और मैंने आखो कि अम्मी मेरे को दुद्ध ले आंदे ये देखे जी माशाला सूरज जरा निकलिया हो अलहमदुल्ला कुछ कपड़े अगे जड़े ना जी वो मैं पा ही हुई हूँ जो मोटे कपड़े नहीं दे पाने और जो कुछ थोड़े बरीक है ना वो मैं दीवार तो पा दिते ने छो मेरा छोना बेबी दीदू पींदा पिया जामा देखो जामा देखो मेरा पाला डुडू पींदा पिया खुश ओके कर लो फिर ऐसे यकीन करो ना जी अल्लाह पाक इतनी भी धुप जी ना हर रोज कड़ी रखे ना कसम से सारा दिन उन्हें थले रह के ना सर्दी के बिच कमनी जी ना सारा दिन ही नहीं लेंदी और बारह तो चूल्हे ते ही बज जाते हैं हूँ तकरीबन डेढ़ दो टाइम मेरे ना होया खलोता तो हूँ थोड़े ही जी अल्लाह पाक ने अज धुप कड़ी है बड़े दिनों बाद चूल्हे तो ठीक है पानी मुते गर्म करने वास्ते रख दिता सी जिवें ही आएगी ना नहा लगेगी तो माशाला नहा के तो हूँ मेरी धी उत्ते आ गई हुई है हूँ इन मैं जो वाल सवार लेनी और कुछ नहीं लाने तेल और उस तो बाद सोने बना लें भी हाँ आज इत फिर कोल आओ तेरे सिर तेल और घंगा फेरा थानू फैजा तो माशाला पहले नहा लिया तो फैजा हूं भी आख दिया मैं ऐसा दे नहाना है मैं ना हाले नहीं गर्मी आई इतनी ये देख ला उत्तू आ ला वे ना मेरे बेटे ना आपी आपी ना मेरी जान जिन्ना मैं काम थले करके आया ना तेरी डब्बी आला अगर वो मकैनिक करता ना या फिर मेनू कोई आंदा ना कि काम कर मैं 1500 रुपए चो काम नहीं करना वो पैप सीधा किया डब्बी दोबारा लाई कट के सारी क्योंकि पहले तारा लगिया हुई ने फिर डब्बी लानी या पैप लाना बड़ा औखा होंगे लग गया जी अलहमदुल्ला और हूँ वो परफेक्ट जड़ा ना जो वायरिंग करेंगे ना कोई रुकावट नहीं आएगी पहले उन्हें काफ़ी सारिया रुकावटा हैं थले चल के मैं तुम्हें विखाना वा लेकिन हूँ उन्हें कोई रुकावट जी है ना वो आएगी नहीं जो भी तारा पावे ना आसानी पै जाएगी पहली जी डब्बी है ना जी पहले पैप इंज लगा हुआ से ना टेड़ा इतना की करा रहा है डब्बी इधर से हूँ यह डब्बी करनी सी सीधी पहले तो इतों इन तोड़ के ना सीधी डब्बी लाई है नवी फिर ए वाला पैप खाली से जरा असी उत्तू डाउन छुपाया यह खाली सी ये खाली लाना सी और ए तारा है जड़िया साढ़े किचन जा रही ने ना वो चलदिया ने और यह बल्ब भी चलता है तो यह हूँ मैं सारा करके हटिया इतों एक तार अंदर जा रही है कमरे के उन्होंने भी बचा सी कल असी कटना है ना तो डब्बी चू कट्टी जाएगी और तार बहर निकल जाएगी इतों मैं पैप ला दिता उत्तू मैंने जरा कवर कर दिता भी ताकि पैप जड़ा ना वो सीमेंट नाल बंद ना हो बाकी उन्हें पैप शैप काबू करके ना और यह भी जी है ना तकड़ी करके पैप नू किल ला दिते ने एक एक भी ताकि भी जड़ा ना हिले ना और इतने हूँ जड़ा ना इनू बंद करने इनू प्लस्तर नाल ना सीमेंट ला के तेनू बंद कर देने उस तो बाद फिर पेंट मारांगे मैं पिछू पेंट करता आ रहा सी मैं बाद तोड़ फोड़ करनी पैनी है इको बारी करके जावा ताकि दोबारा इनू जड़ा ना तोड़ना ना पवे। हाँ जी अलहमदुल्ला होल्डर जड़ा ना मेरा परफेक्ट लग गया होया और सीमेंट भी मैं सारा ला लिया होया हूँ जड़ा ना इधरों वाला पेंट शुरू करने हैं इनू हाले पेंट नहीं करांगे क्योंकि बिल्कुल ताज़ा है और ये उत्ते या मैं ब्रश मारना ना तो यह जड़ा है थले आ जाएगा या मतलब बुर जाएगा या खुर जाएगा कुछ भी हो जाएगा एंड तो इतने जड़ा ना थोड़ा जल बाद लावे और डबल कोट करना पैना वेखो ना जिम्मे निशान ताज़ा सीमेंट लगा हुआ ना तो यह निशान लगा हुआ उस तरह यह जो बिल्कुल खुशक हो जाएगा ना अंदरों सीमेंट भी एक काला सीमेंट जो खुशक हो के सफेद हो जाता है ना या मतलब थोड़ा जहा ग्रे कलर का हो जाता है ना उस टाइम ए वाला उत्ते कलर जरा ना ये खुल के सामने आता है यह भी हाले गिला है ना तो इस वजह तू हाले तीकर ना काला काला नजर आता पै एक कोट वैसे मैं उत्ते होर मार देंगे इस जगह पर लेकिन इनू बाद करांगा। हाँ जी अलहमदुल्ला फ्रंट जरा ना वो मैं सारा कर लिया होया ओ बल्ब तू थोड़ी जी जगह छड़ी है क्योंकि बिल्कुल ताज़ा सीमेंट लग गया तो इस वजह तू उत्थे हाले नहीं ला सकता सुबह लावांगा या फिर रात नू लग जाएगा लेकिन सुबह ही लावांगा वो बेस्ट है रात नू भी जदों मैं लावांगा ना ब्रश तो ब्रश जड़ा ना खराब हो जाएगा और हुण किचन दे चू सारा समान वगैरह बाहर कढ़ा लिया जी क्योंकि किचन च असीं अग बालदे रहे ना तो सारा पीला पीला होया होया तो मैं कहा चलो सीमेंट थोड़ा जिहा बचिया भी होया ना तो यह भी जड़ा ना सारा किचन भी मार दिंदे आ भी ताकि फ्रंट और किचन जड़ा ना इको जिहा हो जाएगा अंदरों तो पहले ही लगा होया तो जदों प्लस्तर करांगे ना तो उस तो बाद फिर ये सारा मुकम्मल एक बार टोटल आल जड़ा ना दोबारा तो सारा लगेगा उदो फिर ना मुडू लगेंगे एक कमरे तो लैके दूसरा कमरा फिर इस तरह सारा आल टू आल जड़ा ना मार देंगे हो सकता शायद उस टाइम पेंट करवाइए तो फिर वो पेंट हो जाएगा एक बार अगर सीमेंट मारना हो फिर सीमेंट मार देंगे
लेकिन अंदर वाली दीवारा तो मैं राती विखाइया सी कि थोड़ी थोड़िया खराब हैगियां ने, इंशाल्लाह वो भी सैट हो जाएगी जो इन्हों की नमी खत्म हो जाएगी। नाल दे मकान का हाले पलस्तर होंदा पे और पूरा घर जड़ा है ना वो मतलब नमी वाला होया होया, वो जो पलस्तर हो जाएगा कोई महीना डेढ़ हो जाएगा उन्होंने खुशक हो जाएगा, नमी ईटा की खत्म हो जाएगी, उस पर मारा फिर वो परफेक्ट रहेगा। अगर हूँ मारा ना तो दोबारा हो जाएगा इसे तरह। इधरों बेगम साहब है जी, इन्हें जी सारा समान वगैरह कढ़ी खड़ी है तो झाड़ू वगैरह मारती भी चलो थले जो डिगेगा ना फिर वो गंद नहीं सैदा मचेगा। ए की सब पिया तोड़े इच, चलो बाकी सारा कुछ चुक लिया गए ना, ओ कंडा भी चुक बिलाल ते फ्रिज जड़ी है ये करनी है, फ्रिज जड़ी है भी करनी है, तो कपड़ा भी सुट दे स्विच बोर्ड वगैरह बाहर कढ़ देने जो सारा लग जाएगा ना तो उस तो बाद फिर इन्हू मार देंगे। इथे करना है जी एक कोट और इस जगह ते मारने ने दो कोट, इथे मैं पहले थोड़ा थोड़ा सीमेंट ला दिता मैं भी चलो ना दोबारा लगेगा ना मैच हो जाएगा, ये जो खुशक होगा ना ये असल कलर उदो ही कलना वा, एक काला काला है ना इस वजह तू इन्हें हूं कलर जड़ा ना जाहिर होंदा ही रहना वा, लेकिन जो खुशक होएगा ना फिर सेट हो जाएगा। अलहमदुल्ला जी सारा सीमेंट जड़ा ना जी मैं मार लिया होया, सारा आल टू आल घर जड़ा ना नीट क्लीन हो गया, जिन्ना पलस्तर होया होया ना वो तो बिल्कुल नीट क्लीन हो गया ना, जड़ियां धारा दूरा लगियां होया सन चिकड़ जहा लगा होया सी ना उत्तू लंटर दा वो आला बिल्कुल साफ हो गया, सिर्फ ए आला मैं छड्डिया मैं सुबह करना। अच्छा बाकी इस तो इलावा हुण मेरे को थोड़ा जा सीमेंट बच गया है तो वो मेरा इरादा है कि यह जड़ी ना सामने थोड़िया जी जरीटा जी पै गई सी ना नजर आंदियां भी हो सन तुहानू, इस जगह से थोड़ा जा ब्रश मार देंगा कुछ इधर मार देंगा तो यह सैड तू मार देंगे, यह दीवार जी है ना ये नहीं मैं हाले करनी जी, आ खोल दे बेटे इनू और यह वाली भी जी है ना जी क्लियर हो गई है बिल्कुल, इन दो तीन कोट लग चुके हुए ने, अंदर वाला जो पलस्तर है ना वो हाले तकर गिला ना मुकम्मल खुशक नहीं होया, तो जिमें जिमें वो खुशक हो के ग्रे कलर करेगा यह उतला जरा ना वाइट कलर कर जाएगा। बाहर वाली विंडो नू भी मैं डबल कोट कर दिता है, ये भी जिमें जिमें खुशक होएगा ये भी उमें उमें जरा वाइट होता जाएगा, क्योंकि यह वेखो ना तो हूँ मैं मारिया ना तो नाल ही वाइट हो गया क्योंकि खुशक है सी ना तो अद्धे पौने घंटे बाद ही ना वाइट हो गया, तो यह उत्ते थोड़े थोड़े बस है ला ना लो थोड़े देर लावे जिमें ही सुबह थोड़ा जहा मेरे को बचा पै सुबह वेखागा ना कि जिथे मैं महसूस होएगा ना कि यह निशान हाले तक सही खत्म नहीं होया उ माड़ा जहा ब्रश होर ला देंगे।